प्रोटेस्ट इस चीज़ के खिलाफ है कि जो PMAY की स्कीम आई थी उसके तहत हमारी बहुत गरीब पंचायत है, वहाँ पे लोगों को मकानात के केसेस मिले थे और उसमें से हर एक कुंबे से, हर एक घर से उन्होंने कहा कि जिसका भी केस है उसको 6,000 रुपया एडवांस कमीशन देनी पड़ेगी, जो कि BDO सेक्रेटरी ब्लॉक के जितने भी अफसर आए हैं उनके लिए कमीशन देनी पड़ती है। पहले तो 20% तो पहले ही काट लेते हैं कि ये जनरल कमीशन है, उसके अलावा 6,000 रुपया अलग वसूली हो रही। और जो ये जो बंदा है ये हैंडीक्रेप्ट है, ये दोनों मियाँ बीवी जो है हैंडीक्रेप्ट है, इनकी कोई औलाद नहीं है। इनके पास पैसे नकदियात ना होने के कारण इनसे कहा गया कि आप अपनी 1.5 कनाल ज़मीन जो है नायब सरपंच के नाम कर दो, उसके बाद आपको जो है कि ये पैसा आपको किस मकान का जो केस है वो मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी इनको ये कहा कि तेरी किस्मत ही ख़राब है, तेरे को इसके अलावा नहीं मिलने वाला। उसके बाद हम देखेंगे जो जनता लेवल पे काम होगा वही होगा, पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक जॉब कार्ड का 13,000 रुपया एक बंदे के खाते में जाता है और फिर सरपंच उसको कहता है कि ये मुझे निकाल के दो, तब जाके आपको आगे के लिए पैसा मिलेगा। बंदा कर सकते हैं। आपका नाम? ममता न्यायक। आप कहाँ से हो? मंजमी से हो। क्या मसला हो गया? बस यही मसला है कि हमारा पैसा ले रहा है हमसे जॉब कार्डों का वापस, और 23,000 रुपया मुझसे लिया है 2 साल में, और मेरा डंगा देकर दिलाए, मुझसे खरीदारी कराई और वो डंगा बेकार है और बाथरूम बना के बेकार है, कोई पैसा उसका मिल नहीं रहा है। बोल रहे आगे से आता नहीं, हम कहाँ से घर से देंगे? जो मिला वो भी वापस। कौन ले रहा है? वो सरपंच। क्या बता रहे हैं सर? बस अगर तुम देगा हमें कमीशन आगे के लिए हम कर देंगे, नहीं देगा पड़ा रहेगा। आपने इस बात को अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के? नहीं जी, कहाँ कर दे, हम गरीब लोग हैं, हम रात दिन रोटी खाने के लिए तो कहाँ पहुँचेंगे? हम से कोई पूछ नहीं रहा है, बस यही दाड़ाशाही चल रही है, यही लोड को शोर चल रही है, गरीब लोगों के खून सुन नहीं रहा है कोई। आज भी ऊपर से दाड़ा है कि दोगे तात नहीं दोगे, आपकी देखते हैं भी क्या होता है इस पर। इसका मतलब हमारी जान पर बारी आई है, यही थोड़ा हमारे सरपंच बनाया सर, हमने उसको वोट दिए जिताया था, हमको अब ऊपर से गला काटेगा तो उसका अपना टावर पालेगा तो हमारा छुरी बिठाएगा हमारे सर पे गले पे। आप क्या आप चाहते हो, क्या अपील चाहते हो? हम पैसा हमारा वापस होना चाहिए जैसे लिया है, और हमारे डंगे वगैरह जो भी हैं तो वो पास होने चाहिए बाथरूम। तो अगर नहीं हो तो हम DC साहब के ऐसे भी धरने लगे हैं, ऐसे भी हम सो रहे हैं यहीं। हमारा माल आयाल का जिम्मेवार या सरकार है या वो है जिसने ऐसा हम धोखे से मार रहे हैं हमसे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम शबीर अहमद, मैं भागवा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, पंचायत मंजमी से। सर आज क्या माजरा हुआ जो आप DC ऑफिस के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, क्या पूरा मसला बताइए? सर हमारे मेरे साथ माजरे की बात नहीं है, पूरी पंचायत के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सरपंच और नायब सरपंच के द्वारा जो धमकियां दी जा रही है इन लोगों को, PMAY जो इनके आए थे केसेस उनके बारे में सरपंच और नायब सरपंच का कहना है कि जब तक आप बतौर रिश्वत पर किस्त 6,000 नहीं दोगे तब तक आपकी कोई किस्त नहीं आएगी और आपके जो मकान हैं उनको जियो टैग भी नहीं होंगे। सर काफ़ी गरीब लोग हैं और दूर दराज इलाके में रहते हैं और लोगों को ये भी पता नहीं है कि BDO क्या चीज़ होता है और JEE क्या चीज़ होता है, ACD क्या चीज़ है, डिपार्टमेंट के बारे में किसी को भी पता नहीं है। और सरपंच नायब सरपंच लोगों को धमका रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है हमारी पंचायत में, इंसाफ गरीबों को नहीं मिल रहा है, जो काम करता है उसको पैसा नहीं मिलता है, और जो आया था PMAY के तहत पैसा इन गरीब लोगों से लिया गया है और जितना पैसा था वो लूट के ले गए हैं। और आज लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आप DC के पास गए या किसी भी के पास गए तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ FIR लगेगी। जहां तक हमें मुलाजमीन से भी बात की, जो ब्लॉक के JEE हैं उनको मैंने खुद फ़ोन किया और उन्होंने कहा हम आपके खिलाफ FIR काटेंगे इस बारे में। सर पूरा गुंडागर्दी है, डिपार्टमेंट हो या सरपंच हो या नायब सरपंच हो, काफ़ी मुश्किल है लोगों के। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जो हमारी पंचायत है इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा गुंडा राज है। हमारे साथ पंचायत के कुछ मेंबर भी आए हुए हैं, 2-3 मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे आप पूछिए कि हमारी पंचायत की क्या हालत है। और जिन लोगों ने कमीशन दी है बतौर रिश्वत ये हमारे साथ आए और इनको भी धमकाया गया है और फ्रॉड सिग्नेचर लोगों से लेते हैं, अनपढ़ लोग, इनको पता नहीं है हमें क्या कर रहे हैं क्या करेंगे और फ्रॉड सिग्नेचर इनसे लिए। और इधर लोग पूरे आए हुए, इनसे आप पूछ सकते हैं कि पंचायत की क्या हालत है, मेंबर साहब हमारे सामने हैं इनसे पूछिए, ये हमारे इधर मौजूद आदमी इनसे पूछो। सर माजरा यही है, ये गरीब लोग बेचारे परेशान हैं क्योंकि तरह तरह की मुश्किलें इनको आ रही हैं और तरह तरह के तरीक़ों से इनको तंग किया जा रहा है। तो यही एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, हमारी अर्ज़ है, अपील है कि अगर ऐसा इन लोगों के साथ हुआ तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, किसी से कमीशन मांगा जा रही है,
किसी से कुछ गरीब लोग बेचारे काम कर रहे हैं, नरेगा का काम करते हैं, इनको पेमेंट नहीं मिलती है, कोई कुछ नहीं मिलती है सर। ये इतनी मुश्किलें हमारी हैं। बाकी सर मैं एक वार्ड पेंच हूँ, लेकिन मुझे ये कहने में शर्म आता है वार्ड पेंच कहने में, क्योंकि इन्होंने हमारे हाथ में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि हमारी जो हमें जो पावरें बताई गई थी ट्रेनिंग में, वो पावरें शावरें हमें कुछ नहीं जनाब, हमारा कोई उस किस्म का कोई हमारे पास वो हक नहीं है कि हम लोगों की मदद कर सके। सर हम गरीब अवाम की क्या मदद कर सके, जिस अवाम से हमें वादे किए हैं कि हम आपके काम करेंगे, लेकिन हमारे पास वो कोई वैसा ओहदा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से हम अर्ज़ करते हैं कि ऐसा ही अगर ये खिलौना खेल हमारे साथ खेला जा रहा है तो ये गलत है। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कोई स्कैम हो रहा है वहाँ पर, क्या स्कैम हो रहा है, कौन आपसे जो है पैसे मांग रहा है? जी सर, आपके सामने अमीम अमाम खड़ी है, गरीब अमाम, क्योंकि इनको इनसे मांगा जा रहा है, तो तभी तो ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे दुख दर्द के बगैर कोई घर से नहीं निकलता है। इन लोगों को बेचारों को कोई ऐसा आदमी है जिसके पास किराया भी डोड़ा आने के लिए नहीं है, लेकिन मजबूरी है। और हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं कि आज तक हम खामोश रहे, क्योंकि इन सरपंचों को और इन अहदेदार लोगों को इसी अवाम ने खड़ा किया है, जिन अवाम का चेहरा आपके सामने है, एक गुरबत अवाम का चेहरा आपके सामने है, लेकिन आज ये लोग लातों के नीचे मसल दिया जा रहे हैं। आपका नाम? मैं कादर। क्या मसला हुआ? जमीन दूंगा तो फिर तीनों को मकान दूंगा। क्या बता रहे हैं वहाँ पे? जमीन दे दो तो मैं दे दूंगा। डेढ़ किला सरपंच क्या थे? नर सरपंच आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं पंचायत मंजी से बिलोंग करता हूँ। क्या पूरा जो है माजरा है? देखो जी, पूरा माजरा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मसला है? हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि जो PMAY की स्कीम आई थी उसके तहत हमारी बहुत गरीब पंचायत है, वहाँ पे लोगों को मकानात के केसेस मिले थे, और उसमें से हर एक घर से उन्होंने कहा कि जिसका भी केस है उसको 6,000 रुपया एडवांस कमीशन देनी पड़ेगी, जो कि BDO सेक्रेटरी ब्लॉक के जितने भी अफसर आए हैं उनके लिए कमीशन देनी पड़ती है। पहले तो 20% तो पहले ही काट लेते हैं कि ये जनरल कमीशन है, उसके अलावा 6,000 रुपया अलग वसूली हो रही है, जो कि नाजायज़ तरीके पे लोगों से ली जाती है, जो उसमें मना करे, क्योंकि गरीब लोग हैं हमारी पंचायत में, ज़्यादातर गुजर लोग बसते हैं जो कि पढ़े लिखे बहुत कम हैं, उनसे ये कह के पैसा लिया जाता है कि अगर आप ये 6,000 नहीं दोगे तो आपकी दूसरी किस्त नहीं आने वाली है। तो जो बंदा ये कौन मांग रहा है? ये नायब सरपंच है जो हमारा गुजर बस्ती से ताल्लुक़ करता है, उसका नाम अब्दुल लतीफ़ है, उर्फ में गुडू कहा जाता है, वो नायब सरपंच है। वो गुजरों को बड़े ज़हनी तरीके से टॉर्चर करता है, और सरपंच जो है वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी लोगों से पैसे लेता है, और जो ये जो बंदा है ये हैंडीक्रैफ्ट है, ये दोनों मियां बीवी जो है हैंडीक्रैफ्ट है, इनकी कोई औलाद नहीं है। इनके पास पैसे नकदियात ना होने के कारण इनसे कहा गया कि आप अपनी 1.5 कनाल ज़मीन जो है नायब सरपंच के नाम कर दो, उसके बाद आपको जो है कि ये पैसा आपको किस मकान का जो केस है वो मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी इनको ये कहा कि तेरी किस्मत ही ख़राब है, तेरे को इसके अलावा नहीं मिलने वाला, या तो 1.5 कनाल ज़मीन। हालांकि इनकी हालत देखें आप, इनका कोई बच्चा नहीं है, ये बिल्कुल विकलांग है। तो इस बात को नॉलेज में लाया? देखो कई बार ऐसा हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कई लोग आए जिन्होंने अपनी कंप्लेंट्स की। पहले तो एक बार लोग इस हिसाब से दे गए कि भाई चलो ये सरपंच हमने नया खड़ा किया है, हो सकता है ईमानदारी से काम कर रहा है। जब एक बार लोगों से कमीशन ली गई तो उन्होंने दे दी, फिर जब नेक्स्ट टाइम मांगी गई, जिन लोगों के अभी भी पैसे रुके हुए हैं, जब तक ना वो 6,000 देंगे तब तक उनकी किस्त नहीं आएगी। मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम जो है हमारे पैसों पर चलता है, जो जनता पैसे देती है हमारी पंचायत से, उसी हिसाब से पूरा डिपार्टमेंट जो है ब्लॉक का वो चलता है, और वो उसी पैसे से आगे अपने घर चलाते हैं। क्योंकि हम तो अपने घर चलाते ही हैं, लेकिन हमारे पैसे से बड़े बड़े आला अहदेदारान जो हैं वो भी अपना घर चलाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पंचायतों का पैसा जो है ब्लॉक वालों को मिलेगा, फिर जाके उनकी किस्तें आएंगी। लोगों को डंगे दिए गए, किसी का जॉब कार्ड का पैसा अभी तक नहीं मिला है, किसी को बाथरूम का पैसा अभी तक नहीं मिला है। हर किसी जितने भी लोग यहाँ हैं पूरी पंचायत में, आप जाके ग्राउंड लेवल पर देखें, वहाँ पर किसी को जॉब कार्ड का पैसा नहीं मिला है। मुझे तो आज तक 3 सालों में कभी ना मिला। इन लोगों से कभी पूछ सकते हैं आप कि इनको कभी पैसा नहीं मिला है। और जो भी हो रहा है तानाशाही के हिसाब से हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम आज भी
उस पुराने हालात में जी रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का तो नाम सुना था, लेकिन उसके आने के बाद करप्शन और भर गई, जिससे कि बड़े बड़े लोग भी पैसा लेने लगे। अब जो मटेरियल और स्किल्ड का पैसा है वो उनके कुछ अलग अकाउंट्स बने हुए हैं, उनके अलग इंसान बने हुए हैं जो इन्होंने फिक्स रखे हैं, वो उनके खाते में वो पैसा जाता है। जॉब कार्ड होल्डर को उसमें से एक रुपया नहीं मिलता, वो पैसा अलग जाता है और वो नायब सरपंच खुद निकलवाता है। अब जिन लोगों के, गरीब लोगों के खाते में कभी 10,000 रुपया जॉब कार्ड का आ भी गया, फिर उनसे कहा जाता है कि आप ये पैसा निकाल के हमें दोगे तब जाके आपको आगे नया काम हम देंगे। अगर वो ऐसा ना करें तो हो सकता है उनको आगे के लिए पंचायत में कोई काम ना मिलने वाला है। जैसे देखो कि अपील क्या करना चाहेंगे, हम अपील ये करना चाहते हैं कि सरकार, इस जो एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें पंचायत डिसॉल्व चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है पंचायत, हम पंचायत को डिसॉल्व करने चाहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो जनता लेवल पर काम होगा वही होगा, पे कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि एक जॉब कार्ड का 13,000 रुपया एक बंदे के खाते में जाता है और फिर सरपंच उसको कहता है कि ये मुझे निकाल के दो, तब जाके आपको आगे के लिए पैसा मिलेगा। बंदा कर सकते हैं यहाँ।